नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग की ताज़ा खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको मौसम विभाग की सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्य तो दोस्तों कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिली। वहीं दोस्तों कुछ स्थानों पर गहरे काले बादलों की आवाजाही बनी रही तो कुछ स्थानों पर बारिश की बौछारें देखने को मिली। आंधी और तूफान की बात करें तो यहां पर आंधी और तूफान की जो स्पीड थी कुछ स्थानों पर 30 से 40 तो दोस्तों कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिली। लगभग दोस्तों 2 से 2.5 घंटे तक ताबड़तोड़ बारिश हुई। इसी के साथ दोस्तों जैसलमेर के रामगढ़ में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिली। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों में राजस्थान की स्थिति को भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट में दर्शाया है। संपूर्ण राजस्थान में येलो अलर्ट होने के कारण अब आपको राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। दोस्तों संपूर्ण जानकारी हम आपको बिल्कुल विस्तार से देंगे, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया पल पल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अब आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले 18 जून 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो संपूर्ण राजस्थान में येलो अलर्ट जारी है, जिसके कारण राजस्थान के कुछ स्थानों पर आपको गहरे काले बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तो दोस्तों वहीं कुछ स्थानों पर तेज धूल भरी आंधियां चलने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों बात करेंगे बिल्कुल एक एक जिले की डिटेल वाइज। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और दोस्तों पाली जिले की बात करें तो इन जिलों में आपको आगामी कुछ ही घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य तो दोस्तों कुछ स्थानों पर मध्य से भारी बारिश देखने को अवश्य मिलेगी। साथ ही दोस्तों यहां पर तेज आंधी और तूफान चलने की प्रबल संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। आंधी की जो स्पीड है दोस्तों यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो दोस्तों कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन जिलों की बात करें तो यहां पर भी आगामी 24 से 48 घंटों में आपको बादलों की आवाजाही देखने को अवश्य मिलेगी। दोस्तों यहां पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश देखने को अवश्य मिल सकती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी तेज धूल भरी आंधियाँ चलने की प्रबल संभावनाएँ जताई जा रही हैं। दोस्तों अगर यहाँ तापमान की बात करें तो आगामी 48 घंटों में इन जिलों में आपको तापमान में गिरावट अवश्य देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अचानक से देर रात यहाँ पर मौसम परिवर्तन होने के आसार जताए जा रहे हैं। दोस्तों मौसम परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों यहाँ पर भी अगर टेम्परेचर की बात करें तो आपको टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट अवश्य देखने को मिल सकती है। इन जिलों की बात करें तो कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ आंधियां चलने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं दोस्तों अगर अब हम बात करते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर और टोंक जिलों की, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी आगामी 24 से 48 घंटों में आपको छिटपुट तो दोस्तों कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को अवश्य मिलेगी। दोस्तों अगर यहाँ हम बात करते हैं तेज आंधी और तूफान चलने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने के कारण यहाँ पर तापमान में आपको गिरावट अवश्य देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी आगामी 24 से 48 घंटों में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को अवश्य मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी तेज आंधी और तूफान चलने की प्रबल संभावनाएँ जताई जा रही हैं। दोस्तों कुछ स्थानों पर यहाँ पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं हम 19 जून 2021 के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों 19 जून 2021 के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो यहां पर संपूर्ण राजस्थान को येलो अलर्ट में दर्शाया गया है। यानी कि जैसी स्थिति 18 को थी ऐसी ही दोस्तों 19 जून को भी रहने वाली है। दोस्तों 19 जून की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालौर और सिरोही जिलों में आपको बादलों की आवाजाही बने रहने का अनुमान है और दोस्तों यहां पर तेज़ धूल भरी आंधियां चलने की प्रबल संभावनाएं जताई गई हैं।
वहीं दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में भी यहां पर दोस्तों आपको हल्के फुल्के बादल अवश्य देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों की। तो दोस्तों इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर आपको हल्की से मध्य बारिश देखने को अवश्य मिल सकती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी आंधी और तूफान की जो स्पीड है वह 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़ इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक, जयपुर जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। दोस्तों इन बादलों से कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य तो कुछ स्थानों पर मध्य से भारी बारिश आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों आगामी 19 जून की बात करें तो इन जिलों में देर रात तक मौसम में परिवर्तन होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम में परिवर्तन होने के कारण कुछ स्थानों पर आपको अच्छी खासी बारिश देखने को अवश्य मिल सकती है। दोस्तों जैसे ही राजस्थान के मौसम में कोई अचानक से परिवर्तन आएगा तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे।